So बेस्ट लैपटॉप अंडर फोर्टी थाउजेंड देखो जो लैपटॉप खरीदने का चालीस हजार का बजट है उसमें अगर आपने एक ऐसा लैपटॉप बाय कर लिया जिसमें आप आज तो सब कुछ कर सकते हैं लाइक ऑनलाइन क्लासेस कोडिंग गेमिंग वीडियो एडिटिंग ऑफिस वर्क या फिर स्टडीज लेकिन कल को अगर आपकी लैपटॉप को लेकर कोई रिक्वायरमेंट बढ़ती है लाइक रैम या फिर स्टोरेज बढ़ानी पड़ जाए और या तो एस की जगह एस इंस्टॉल करनी है तो आप ये सब कर सकें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है एक तो मैंने वो लैपटॉप कवर किए हैं जिनमें आपको एक्सपेंडेबल रैम एंड स्टोरेज की ऑप्शंस मिलेंगी मैंने इसी वीडियो में लैपटॉप्स के अल्टरनेट ऑप्शंस को भी कवर किया है ताकि आप उसी के सेम स्पेसिफिकेशन के अल्टरनेट ऑप्शन को बाय कर सकें। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी चॉइस का जरूर मिलेगा। नाउ लेट्स अंडर फोर्टी थाउजेंड इन ट्वेंटी ट्वेंटी सबसे पहला लैपटॉप है डेल में जीरो एक चीज बढ़िया

ग्लेयर डिस्प्ले के साथ आता है एंड इसी के साथ डेल इंसपिर में आपको फुल साइज की बोर्ड मिलता है विद नम पैड की आपको डुअल बैंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ फोर पॉइंट टू का सपोर्ट मिलता है नेक्स्ट लैपटॉप अंडर फोर्टी थाउजेंड रुपीज इज अवीटाटी सबसे पहले बात करें इसके प्राइस की तो इसका जो करंट प्राइस है है दैट इज एंड की इस लैपटॉप का का मेरी लिस्ट में होने का सबसे मेजर रीजन है इसका करोर चालीस हजार इंटेल का टेन जनरेशन कोर आई फाइव प्रोसेसर मिलता है विद क्लॉक स्पीड ऑफ फोर पॉइंट सेवन गी का एंड इसका जो वेट है वो भी सिर्फ वन पॉइंट टू के जीज है जो की मेरी लिस्ट के बाकी सभी लैपटॉप के कम्पेरिजन में सबसे लाइट वेट है एंड इसका वेट अगर कम है तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना की इसकी

Because इस प्राइस में शायद ही आपको ये फीचर्स किसी और लैपटॉप में मिले लैपटॉप में सिंगल बैंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट मिलता है बैटरी बैकअप की बात करें तो ये जो लैपटॉप है वो नॉर्मल यूजेज में इजिली पांच घंटे तक का बैटरी बैकअप देता है एंड अबिटा के इस लैपटॉप के साथ आपको एटीन मंथस की ऑन साइड वारंटी मिलती है नेक्स्ट लैपटॉप लैपटॉपी थाउजेंड रुपीज लेटेस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी बहुत ही शानदार लैपटॉप है फोर्टीन इंचिस के स्क्रीन साइज में आता है लैपटॉप का करंट प्राइस अराउंड थर्टी नाइन थाउजेंड रुपीज है इसमें आपको राइजन थ्री प्रोसेसर मिलता है विद द क्लॉक स्पीड ऑफ अपू थ्री पॉइंट सेवन गी का लैपटॉप में चार कोर्स एंड एट थ्रेड्स मिलते हैं जिससे मल्टी टास्किंग बहुत ही अच्छे से होती है एंड आप सेम टाइम पे मल्टीपल एप्लीकेशन पे काम कर सकते हो बिना किसी इशू के लैपटॉप में आठ जीबी की रैम मिलती है एंड अगर आपको इन फ्यूचर आठ जीबी की रैम कम लगे

देखो यार इसी मॉडल में एक और वेरिएंट मिलता है जिसमें इंटेल का लेटेस्ट 11 जनरेशन i3 प्रोसेसर है सो अगर आपको ए एम डी अवेलेबल नहीं मिलता तो आप इस लैपटॉप को भी बाय कर सकते हैं इन दोनों के बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस में कोई डिफरेंस नहीं है एंड दिस इज असूस वीवो बुक फोर्टीन क्योंकि फोर्टी थाउजेंड की रूपीज में आपको आई फाइव प्रोसेसर मिल जाएगा देखो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लग रही है तो इसे लाइक तो कर दो टेन जनरेशन कोर आई फाइव प्रोसेसर मिलता है विद क्लॉक स्पीड ऑफ थ्री पॉइंट में एट जीबी की रैम मिलती है अगर आप लैपटॉप की मेमोरी को और भी एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बेसिकली रैम एंड स्टोरेज दोनों ही इस लैपटॉप में एक्सपेंडेबल है जिससे ये जो लैपटॉप है वो पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ बन जाता है इसमें इंटेल के इंटीग्रेटेड यू मिलते हैं। में 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 मिलती मिलती है laptop में है display मिलती है है भी एक इस आपको बैटरी है। and आपको घंटे का मिलता अगर किसी भी कारण से येलेबल मिलता है तो फिर आप इसी के दूसरे मॉडल को परचेज कर सकते हैं वो इसका अल्टरनेट ऑप्शन है अब इन दोनों लैपटॉप में जो मेन डिफरेंस है वो है स्टोरेज एंड प्रोसेसर का इसमें आपको आई थ्री प्रोसेसर मिलता है लेकिन जो स्टोरेज मिलती है इसमें वन टीबी के साथ वन ट्वेंटी एट की एन SSD एम ई एस एस डी मिलती है बस इन दोनों चीजों के अलावा और कोई फर्क नहीं है लैपटॉप में आप इन दोनों में से किसी को भी बाय कर सकते हैं नेक्स्ट बेस्ट लैपटॉप अंडर फोर्टी थाउजेंड रुपीज एच पी फिफ्टी एस ट्वेंटी अब ये जो HP का लैपटॉप है वो मेरे लिए मोस्ट लैपटॉप है प्राइस अराउंड फोर्टी टू थाउजेंड में ए एम डी राइज जीरो विदॉक स्पीड ऑफ थ्री पॉइंट फाइव गी का हट्स एंड एचपी फिफ्टीन एस में एट की रैम मिलती है एंड इसमें आपको रैम को एक्सपैंड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है आप इसमें सिक्सटीन जीबी तक रैम को एक्सपैंड कर सकते हैं एंड इस लैपटॉप में आपको एस एस डी प्लस एच टी डी इन दोनों का कम्बिनेशन

बहुत ही सिंपल है बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर तो आपको लैपटॉप पे वीडियो एडिटिंग गेमिंग ऑनलाइन स्टडीज या फिर फिर मूवीज देखनी है फिर उस केस में आपके लिए 15.6 पॉइंट के लैपटॉप एकदम बढ़िया रहेंगे एंड अगर आपको ज्यादातर ऑफिस वर्क करना है या आपको अपने लैपटॉप को कहीं पे भी साथ में कैरी करना पड़ता है तो उस केस में आपको फोर्टीन इंच का लैपटॉप परचेज करना चाहिए जितने भी लैपटॉप मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं ये सभी एकदम बेस्ट ऑप्शन है बहुत ही ज्यादा रिसर्च एंड टेस्टिंग करने के बाद मैंने ये लिस्ट फाइनल की एंड अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर मेंशन करें आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई यू ऑल एंड ऑफ द्वेरीज सोल्व फॉर दिसको बढ़िया लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड डोंगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल